हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल परवीन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज़? इन सभी पार्ट्स में कौन से एपीज़ हैं? इफ़ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। मतलब कि इन क्वेश्चन में कौन से एपीज़ हैं, पहले तो हमें ये पता लगाना है। और अगर एपीज़ पता लग जाती है तो हमें उसमें डी निकालना है कॉमन डिफरेंस, और उसके आगे के 3 टर्म और निकालने, मतलब कि A1, A2, A3, A4 दे रखा है, A5, A6, A7 तक हमें इसमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें पता करेंगे कि AP है या नहीं, और AP है या नहीं उसके लिए क्या पता, कैसे पता करेंगे? इनके बीच में D निकालेंगे, और तीनों का D इक्वल होना चाहिए। अगर तीनों का D इक्वल है, कॉमन डिफरेंस इक्वल है, तो ये AP है, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16। D निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 इसमें 4 है, माइनस 2, माइनस करेंगे आ जाएगा 2। ये हमारा D1 निकला। अब D2 निकालते हैं इसमें, A3 माइनस A2। A3 है 8 माइनस 4, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4। सिमिलरली D3 निकालेंगे, A4 माइनस A3, 16 माइनस 8, माइनस करेंगे तो आएगा 8। अब यहाँ पे देखें, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 है, एंड इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 8 है। दैट मीन्स तीनों का डी आ रहा है अलग अलग, तो ये AP सीरीज़ नहीं है, राइट। तो हम इसकी, जब ये AP सीरीज़ ही नहीं है, तो इसमें आगे के 3 टर्म निकलेंगे ही नहीं, राइट। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, फोर्थ का सेकंड पार्ट, 2, 5 बाय 2, 3, 7 बाय 2, राइट। अब इसमें सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? डी, A2 माइनस A1। A2 है 5 बाय 2, माइनस A1 है 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2, 5 माइनस, यहाँ पे 1 लगा के एलसीएम ले लेंगे, तो 2 के टर्म में 2, 2 बार 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो आ जाएगा 5 में से 4 गया 1 बाय 2। D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2, A3 है दिस वन, 3 माइनस A2 है 5 बाय 2, 1 लगा लेंगे, 2, 1 के टर्म में 2, 6 माइनस 5 आ जाएगा 1 बाय 2, एंड देन डी, ये डी है। D3 निकालेंगे, A4 माइनस A2, A3, A4 है 7 बाय 2, और A3 है 3, सॉल्व करेंगे 1 लगा के, 2, 7 बाय 6, 1 बाय 2। यहाँ ध्यान से देखें तो डी, जो इन दोनों का बीच का डिफरेंस है 1 बाय 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 बाय 2, एंड लास्ट इस दोनों के बीच का डिफरेंस भी 1 बाय 2। तो तीनों कॉमन डिफरेंस का सेम है, इसका मतलब ये AP सीरीज़ है। जब ये AP सीरीज़ है तो हम क्या करेंगे? इसके आगे के 3 टर्म और निकालेंगे, तो इसके आगे के 3 टर्म निकालते हैं, सेकेंड था A5 निकालने, A1 A2 A3 A4, तो A5 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने इससे पहली वाली वीडियो में बताया है, ये ईजी तरीका, दो तरीके होते हैं, एक तो लंबा प्रोसेस है और एक शॉर्ट प्रोसेस है। तो मैं इसमें शॉर्ट वाला लगाऊंगी, A1 प्लस यहाँ पे n के वैल्यू जितनी भी है उससे एक वैल्यू कम लेना है, 4D, बस इतना सा फॉर्मूला है। A1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2। 4D की वैल्यू क्या है? अभी हमने निकाली थी 1 बाय 2। 2 प्लस, अब इसको ले लेंगे अंदर, 4 बाय 2, और मैं इसको ब्रैकेट में लेके अंदर इसको डिवाइड कर सकती हूँ, तो 2 को 4 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 2, तो 2 प्लस 2 4, हमारा A5 निकल गया। A6 निकालेंगे, A1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा? 6 है, तो यहाँ पे आएगा 5D। A1 कितना है? 2 प्लस 5 डी, डी की वैल्यू 1 बाय 2, 2 प्लस 5 बाय 2, दोनों का एलसीएम लेंगे, 2
वन टू, टू टू जब फोर प्लस फाइव नाइन, नाइन बाय टू, तो ये आ गया ए सिक्स। हमें कितने निकालने थे? थ्री मोर, तो अभी हमें टू ही निकालने, एक और निकालना है ए सेवन। ए ए वन प्लस सिक्स डी, ए वन है इसमें टू, सिक्स डी के वैल्यू वन बाय टू, टू प्लस सिक्स बाय टू, उसको डिवाइड करके मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ टू थ्री थ्री, तो ये कितना आ जाएगा फाइव। तो इसकी एपी सीरीज़ क्या बनी है? मैं यहीं पे बता देती हूँ, एपी सीरीज़ इसकी है, इसके आगे के तीन टर्म और है फोर, और ये वाला है नाइन बाई टू, लास्ट फाइव, ये इसका क्या है आगे के तीन टर्म। और नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट इसका थर्ड पार्ट, इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन में लिख लेती हूँ, वन बाय टू माइनस में माइनस थ्री बाय थ्री पॉइंट टू माइनस फाइव पॉइंट टू, राइट। अब इसमें सबसे पहले डी निकालना है, तो ए टू माइनस ए वन, यहाँ पे ये भी सो ऑन लगाना होता है, ए टू है माइनस थ्री पॉइंट टू माइनस ए वन है, माइनस तो एक फॉर्मूले में और एक उसमें नंबर में है, तो दो माइनस आ जाएंगे वन बाय टू, माइनस थ्री बाय टू माइनस माइनस प्लस वन बाय टू, इसको सॉल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस, अब वन थ्री बाय टू में से वन बाय टू जाएगा, सिमिलर है सिंपल है, टू आ जाएगा यहाँ पे माइनस में, राइट। अब डी टू निकाल के देखते हैं कि आइए डी टू भी सिमिलर आता है, माइनस टू ही आता है, यहाँ पे माइनस ए टू, थ्री क्या आ जाएगा ए थ्री आया है यहाँ पे माइनस फाइव पॉइंट टू, माइनस ए टू क्या है माइनस थ्री पॉइंट टू, माइनस फाइव पॉइंट टू माइनस माइनस प्लस थ्री पॉइंट टू, फाइव में से थ्री जाएगा कितना आ जाएगा टू माइनस में। अगेन डी थ्री निकाल लेते हैं, ए फोर माइनस, इसको निकालने की शायद ज़रूरत ही नहीं थी, कितने टर्म एक और था सॉरी ये मैंने लिखना भूल गई, माइनस सेवन पॉइंट टू, ए फोर ए थ्री, ए फोर कितना है माइनस सेवन पॉइंट टू माइनस फाइव पॉइंट थ्री टू, सॉरी माइनस सेवन पॉइंट टू, ये माइनस फाइव पॉइंट टू है, माइनस माइनस प्लस फाइव पॉइंट टू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा सेवन पॉइंट टू में से फाइव पॉइंट टू गया माइनस का टू, तो ये क्या है हमारा डी, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, इसका मतलब ये एपी सीरीज़ है, क्योंकि इन सब के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है, बिल्कुल सिमिलर है, सेम है, तो हम क्या लिखेंगे, ये एपी सीरीज़ है। अब एपी सीरीज़ है तो इसके आगे के तीन टर्म और निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ निकालते हैं, ए ए फोर था, ए फाइव निकालना है, ए सिक्स और ए सेवन। अब यहाँ पे ए फाइव क्या है, ए वन, ए वन प्लस फाइव है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा फोर डी, ए वन प्लस फाइव डी और लास्ट ए वन प्लस सिक्स डी, बस इसमें वैल्यू पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ए ए वन क्या है, ये वाला क्वेश्चन हम सेकेंड थर्ड पार्ट कर रहे हैं, वन पॉइंट टू माइनस में प्लस फोर, डी की वैल्यू क्या है माइनस टू, अभी हमने ये निकाली है, माइनस वन पॉइंट टू प्लस माइनस माइनस, ए टू जा फोर टू जा एट, तब इसको माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, साइन माइनस रहेगा लेकिन नंबर क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा नाइन पॉइंट, नाइन पॉइंट टू। सिमिलरली ए वन है वन पॉइंट टू माइनस में प्लस फाइव और डी की वैल्यू क्या है माइनस टू, वन पॉइंट टू प्लस माइनस माइनस टेन, दोनों को ऐड करें कितना आ जाएगा, टेन में वन ऐड करेंगे इलेवन पॉइंट टू माइनस में, ए सिक्स निकल गया, ए सेवन निकालेंगे, ए वन
ए वन है 1.2 माइनस में प्लस 6, डी की वैल्यू माइनस 2, माइनस 1.2 प्लस माइनस माइनस 12, दोनों को ऐड करेंगे 13.2। तो हमारे पास ये आ गया पूरी सीरीज इसकी एपी की। एपी ए वन यहाँ पे क्या था, 1.2, 3.2, माइनस 5.2, 7.2। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, 9.2। मैं पूरी सीरीज लिख देती हूँ यहाँ पे, 1.2 माइनस में माइनस 3.2 माइनस 5.2 माइनस 7.2 माइनस 9.2 माइनस 11.2 एंड लास्ट 13.2 माइनस में। नेक्स्ट पार्ट इसका फोर्थ पार्ट। इसमें निकालेंगे डी, ए टू माइनस ए वन, ए टू है माइनस 6 माइनस डी, ए वन क्या है माइनस 10, माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 10, तो ये कितना हो जाएगा 4, 10 में से 6 माइनस करेंगे 4। डी टू क्या है, डी टू निकाल लेते हैं यहीं पे, ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री है माइनस 2 माइनस 6 माइनस 2 प्लस माइनस माइनस प्लस 6, तो कितना हो जाएगा 8, सॉरी 4। डी थ्री ए फोर माइनस ए थ्री, 2 माइनस ए थ्री है माइनस 2, 2 माइनस प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 4, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, दैट मीन्स ये भी क्या है ए पी सीरीज है। तो अब इसके आगे के तीन टर्म और निकालेंगे, ए 5 ए 1 प्लस 4d, ए 6 ए 1 प्लस 5d, ए 7 ए 1 प्लस 6d। ए 1 की वैल्यू क्या है माइनस 10 प्लस 4, डी की वैल्यू क्या है 4, माइनस 10 प्लस 4 4 जा 16, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 में से 10 जाएगा 6 प्लस में, क्योंकि 16 क्या बड़ा नंबर। ए 6 क्या है, ए 6 क्या है, ए 1 माइनस 10 प्लस 5, डी की वैल्यू 4, माइनस 10 20 10 प्लस में, ए 1 माइनस 10 प्लस 6, डी की वैल्यू 4, माइनस 10 6 4 जा 24, माइनस करेंगे 24 में से 10 जाएगा तो 14। तो एपी सीरीज क्या बनी हमारी, मैं यही लिख देती हूँ, 6 10 एंड देन 14। तो ये हमारी क्या है एपी सीरीज फोर्थ की। नेक्स्ट पार्ट है इसका फिफ्थ पार्ट। इसका पार्ट फिफ्थ, इसमें भी डी निकालेंगे, ए टू माइनस ए वन, यहाँ पे डी टू निकालेंगे, यहाँ पे डी थ्री, ए टू क्या है यहाँ पे 3 प्लस रूट 2 माइनस ए वन है 3, इसको सॉल्व करेंगे, प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, रूट 2 आ गया, दैट्स इट। ए टू डी टू कैसे निकालेंगे, ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री क्या है ए वन ए टू ए थ्री, ये वाला है, तो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस ए टू क्या है 3 प्लस रूट 2। ये रूट देख के बच्चे घबरा जाते हैं कि क्वेश्चन होगा ही नहीं, बल्कि क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, बस ध्यान से देखना है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे भी 3 प्लस माइनस, तो ये तो हम पहले भी कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 रूट है, यहाँ पे 1 रूट है, तो कितने रूट हो जाएंगे यहाँ पे 3 रूट, सॉरी यहाँ पे 2 रूट में से 1 रूट जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, तो ये सिंगल रूट आ जाएगा। इसको मैं दोबारा से कर देती हूँ, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस, ये पूरा क्या है ब्रैकेट में है, अब 3 रूट में से ये 3
प्लस माइनस माइनस रूट टू। ये वाला थ्री में से इस थ्री को इस थ्री से कैंसिल करेंगे तो ये कट जाएगा, ये प्लस ये माइनस, लेकिन यहाँ पे क्या है टू रूट टू और ये माइनस रूट रूट टू, तो यहाँ पे क्या करेंगे दो रूट में से एक रूट जाएगा तो सिंगल रूट बचेगा बस। तो ये आ गया क्या डी टू, डी थ्री डी थ्री निकालेंगे ए फोर माइनस ए थ्री, ए फोर है दिस वन, थ्री प्लस थ्री रूट टू और माइनस थ्री प्लस टू रूट टू, थ्री थ्री कैंसिल कर सकते इसको डायरेक्ट भी, और ये वाला जो माइनस है ये वाला माइनस इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा थ्री, थ्री से ये थ्री कैंसिल और थ्री रूट टू में से ए दो रूट टू चला जाएगा तो कितना बचेगा सिंगल रूट टू, रूट बचेगा रूट टू, तो ये क्या है रूट टू रूट टू रूट टू। सिंपल डी हमारे इक्वल आ गए तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे ए फाइव ए सिक्स ए सेवन। ए फाइव, ए फाइव का फॉर्मूला क्या लेंगे ए वन प्लस फोर डी, ए सिक्स का फॉर्मूला लेंगे ए वन प्लस फाइव डी और लास्ट ए सेवन लेंगे ए वन प्लस सिक्स डी। ए वन क्या है यहाँ पे थ्री प्लस फोर, डी की वैल्यू क्या आई है सेम रूट टू रूट टू रूट टू, तो यहाँ पे ले लेंगे हम रूट टू, थ्री प्लस फोर को रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसमें बच्चे क्या करेंगे फोर को टू से मल्टीप्लाई करके एट रूट कर देंगे, दैट इज़ रॉन्ग, इसको क्या करेंगे सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे फोर रूट टू, इसका नंबर इससे करेंगे मल्टीप्लाई, बट ये रूट में ये सिंपल है तो ये इसके साथ बस लिख जाएगा ऐड होके, ये मल्टीप्लाई प्लस सिक्स या फिर एट नहीं होगा। तो ये ए फाइव आ गया, ए सिक्स में थ्री प्लस फाइव रूट टू, थ्री प्लस फाइव रूट टू और यहाँ पे थ्री प्लस सिक्स रूट टू, थ्री प्लस सिक्स रूट टू, तो ये हमारी आगे की सीरीज निकल गई ए फाइव ए सिक्स ए सेवन। नेक्स्ट पार्ट करते हैं सिक्स पार्ट, डी निकालेंगे इसमें भी ए टू माइनस ए वन, डी टू निकालेंगे ए थ्री माइनस ए ए टू, डी थ्री सॉरी ए फोर माइनस ए थ्री। ए टू क्या है यहाँ पे ज़ीरो पॉइंट टू टू माइनस ज़ीरो पॉइंट टू, माइनस करेंगे इसे कैसे ज़ीरो पॉइंट टू टू में से ज़ीरो पॉइंट टू माइनस करना है, तो सिंपल वे में यहाँ माइनस करती हूँ रफली ज़ीरो पॉइंट टू टू और ज़ीरो पॉइंट टू टू ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो, तो यहाँ पे क्या आएगा ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो टू। सिमिलरली यहाँ पे करेंगे तो ए थ्री, ए थ्री ये है ज़ीरो पॉइंट टू 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 माइनस ज़ीरो पॉइंट टू टू, अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिमिलरली मैं इसी में माइनस कर लेती हूँ थ्री और यहाँ पे आ जाएगा टू, तो टू ज़ीरो आ जाएगा ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो टू। सिमिलरली ए फोर है यहाँ पे ज़ीरो पॉइंट टू 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 माइनस ज़ीरो पॉइंट टू टू टू, इसको मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो 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 टू। अब यहाँ देखें ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो टू ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो टू ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो 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 टू, तो ये यहाँ पे क्या डी क्या इक्वल है नहीं, तो ये क्या है ए पी सीरीज नहीं है कि किसके कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो इसके आगे की सीरीज आगे के टर्म्स नहीं निकल सकते। नेक्स्ट पार्ट करते हैं पार्ट नंबर सेवन, ज़ीरो माइनस फोर माइनस एट माइनस ट्वेल्व एंड सो ऑन। डी निकालेंगे डी वन ए टू माइनस ए वन, डी टू ए थ्री माइनस ए टू, डी थ्री ए फोर माइनस ए थ्री। ए टू यहाँ पे क्या है ये ज़ीरो है, माइनस फोर माइनस ज़ीरो माइनस फोर आ जाएगा, ए थ्री है माइनस एट माइनस फोर
माइनस एट प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस फोर माइनस फोर एंड लास्ट माइनस ट्वेल्व माइनस माइनस एट माइनस ट्वेल्व माइनस माइनस प्लस एट तो कितना हो जाएगा माइनस का फोर। यहाँ देखें माइनस फोर माइनस फोर माइनस फोर, यहाँ पे डी इक्वल है इसका मतलब ये एपी सीरीज़ है। अब एपी सीरीज़ है तो क्या करेंगे, इसके आगे के तीन टर्म और निकालेंगे। ए फाइव ए वन प्लस फोर डी, ए सिक्स निकालने के लिए ए वन प्लस फाइव डी। आपको अगर ये क्वेश्चन आ गया है तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, मैं बस ये क्वेश्चन को कंप्लीट करा रही हूँ। इस आपको आ ही गया होगा, बहुत इजी है। ए वन क्या है यहाँ पे ज़ीरो फोर, डी की वैल्यू क्या है माइनस फोर, ज़ीरो प्लस माइनस माइनस फोर फोर ही आया। ए वन क्या है यहाँ पे ज़ीरो फाइव माइनस फोर, ज़ीरो प्लस माइनस माइनस फोर फोर फाइव जो ट्वेंटी तो माइनस ट्वेंटी। और यहाँ पे ए वन सॉरी यहाँ पे फोर फोर जो सिक्सटीन आना चाहिए, सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन ट्वेल्व के बाद सिक्सटीन। अब ठीक है सिक्सटीन, ए वन यहाँ पे है ज़ीरो प्लस सिक्स, डी की वैल्यू है माइनस फोर, ज़ीरो माइनस ट्वेंटी फोर तो यहाँ पे ट्वेंटी फोर। तो ये सीरीज़ क्या बनी ज़ीरो फोर माइनस फोर माइनस एट माइनस ट्वेल्व माइनस सिक्सटीन माइनस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी फोर। तो ये थी हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन। नेक्स्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर एट्थ का। पार्ट एट्थ वन बाय माइनस वन बाय टू वन बाय टू वन बाय टू वन बाय टू माइनस नाइन। अब आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन देखने में थोड़ा अजीब है, तो ये तो एपी सीरीज़ होगी नहीं क्योंकि बीच का कोई डिफरेंस ही नहीं है। बट मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में अब बताया है कि कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। तो यहाँ पे ज़ीरो है कॉमन डिफरेंस, तो हम लिखेंगे डी ए टू माइनस ए वन माइनस वन बाय टू माइनस माइनस वन बाय टू माइनस वन बाय टू माइनस प्लस माइनस वन बाय टू माइनस माइनस प्लस सॉरी प्लस होगा माइनस माइनस, इन दोनों को प्लस करेंगे वन बाय टू ज़ीरो। डी टू निकालेंगे ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री है माइनस वन बाय टू सिमिलरली माइनस वन बाय टू माइनस में तो आ जाएगा माइनस वन बाय टू माइनस माइनस प्लस वन बाय टू, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा डायरेक्ट। ए थ्री इसको हम डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं, ए फोर माइनस ए थ्री माइनस वन बाय टू माइनस माइनस वन बाय टू, इसको भी सॉल्व करेंगे तो माइनस वन बाय टू प्लस वन बाय टू कैंसिल ज़ीरो। तो यहाँ पे क्या है कॉमन डिफरेंस ज़ीरो है, इसका मतलब इसमें ये एपी सीरीज़ है। अगर एपी सीरीज़ है तो क्या करेंगे इसमें एपी निकालेंगे आगे के तीन टर्म और, ए फाइव ए वन प्लस फोर डी, ए सिक्स ए वन प्लस फाइव डी, ए सिक्स ए सेवन ए वन प्लस सिक्स डी। ए वन कितना है ज़ीरो फोर, डी भी ज़ीरो, ए वन ज़ीरो फाइव ज़ीरो, ए वन ज़ीरो सिक्स, डी की जगह भी ज़ीरो। तो क्या आएगा आंसर हमें दिख रहा है ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। सॉरी सॉरी ए वन तो यहाँ पे वन माइनस वन बाय टू है, सॉरी सॉरी वन बाय टू वन बाय टू ए वन की जगह प्लस फोर डी की जगह ज़ीरो, तो वन बाय टू प्लस ज़ीरो तो आ जाएगा यहाँ पे वन बाय टू, वन बाय टू प्लस फाइव ज़ीरो। तो ये इसको सॉल्व करेंगे फाइव को ज़ीरो से मल्टीप्लाई तो ज़ीरो ही आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट वन बाय टू लिख दे रही हूँ। और यहाँ पे भी ए वन की जगह वन बाय टू प्लस सिक्स की जगह सिक्स डी की जगह ज़ीरो,
तो 1/2 ही आ जाएगा, क्योंकि 0 को मैं इससे प्लस करूंगी तो ये इतना ही आएगा। तो ये भी क्या है, आगे की सीरीज क्या, 1/2 1/2 1/2, और क्या है यहाँ पे माइनस, जहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस 0 है तो वो जो पूरी सीरीज होती है वो सेम ही नंबर होती है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, 9th पार्ट इसका। इसमें भी निकालेंगे डी, a2 माइनस a1, d3, a3 माइनस a2, d4, सॉरी d, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3, a4 माइनस a3। a2 क्या है, 3 माइनस 1 2, 9 माइनस 3 9 माइनस 3 6, और यहाँ पे 27 माइनस 9 कितना आएगा, 27 में से ये माइनस करेंगे, 27 माइनस 9 18। तो यहाँ पे दिख रहा है ए डी की वैल्यू, यहाँ पे 2 है, डी की वैल्यू 6, डी की वैल्यू 18। तो क्या ये कॉमन डिफरेंस सेम है, नहीं, तो ये क्या है, एपी सीरीज नहीं है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 10। ए 2a 3a 4a एंड सो ऑन। अब इसमें भी हम क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। सबसे पहले अब यहाँ पे ए देख के आप डर गए होंगे कि कैसे निकलेगा, तो सिंपल है, डी की वैल्यू a2 माइनस a1, 2a माइनस a1, 2a में से एक a चला जाएगा, कितना बचेगा, a बचेगा। d2 निकालने का, a3 माइनस a2, 3a माइनस 2a, 3a में से 2a गया, कितना आया, ओनली a। d3 a4 माइनस a1 a3, 4a माइनस 3a कितना जाएगा, ओनली a। a, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस सेम। अब ए पी सीरीज निकाल लेंगे, इसमें a5 a1 प्लस 4d, a6 a1 प्लस 5d, a7 a1 प्लस 6d। a1 इसमें है a प्लस 4, d की वैल्यू a प्लस 4a कितना जाएगा, 5a। a प्लस 5a, a प्लस 5a तो आ जाए कितना, 6a। a प्लस 1 नहीं आएगा, 6a a प्लस 6a 7a। तो ये था सीरीज 10 का, a 2a 3a 4a 5a 6a 7a। पार्ट नंबर 11। पार्ट 11 a1, इसमें भी क्या निकालेंगे, d a2 माइनस a1, a2 है a का स्क्वायर माइनस a, इसमें से a अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर के बच्चे का a माइनस 1। सिमिलरली d2 निकालेंगे तो a3 माइनस a2, a3 की जगह a3 ये है a का क्यूब माइनस a का स्क्वायर a3। अगर मैं इसमें से ए स्क्वायर में से इस पूरे में से ए स्क्वायर ले लो तो यहाँ क्या बचेगा, ए माइनस 1। d3 निकालेंगे, सिमिलरली a4 माइनस a3, a4 है a की पावर 4 माइनस a की पावर क्यूब, तो आ जाएगा a की पावर क्यूब में बाहर ले लो तो a माइनस 1 बचेगा। तो यहाँ देख सकते हैं ये तीनों क्या है, अलग अलग है, तो ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये क्या है, ए पी सीरीज नहीं है। इसके आगे क्या मिड टर्म निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट निकालते हैं पार्ट 12th। रूट 2, रूट 8, रूट 18, रूट 32 एंड सो ऑन। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले हमें इनके रूट्स हटाने पड़ेंगे, जिसके जोड़े बन रहे हैं उसके हम बाहर निकाल के इसके निकाल सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे रूट 2 तो सिंपल ऐसे ही रहेगा, और 8 का निकालेंगे तो 2 फोर टू 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 फोर जो एट, टू टू जो फोर, टू वन जो टू, तो यह क्या आ जाएगा, टू इसका जोड़ा लग गया तो ये बाहर आ जाएगा, रूट टू बचेगा अंदर। 18 कैसे निकाल लेंगे, टू नाइन जो 18, टू
थ्री थ्री जा नाइन, थ्री वन जा थ्री, थ्री का पेयर बाहर आ गया थ्री रूट टू, थर्टी टू का निकालेंगे टू, टू वन जा टू सिक्स, टू सिक्स जा ट्वेल्व, टू एट जा सिक्सटीन, टू फोर जा एट, टू टू जा फोर, टू वन जा टू, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, तो मतलब कि फोर अंदर बाहर आ जाएगा और रूट अंदर टू। तो ये हमारा बना है नेक्स्ट सीरीज, मतलब कि ये सीरीज़ हमारी बनी है इसको हटा के, अगर हम रूट इसका हटाते हैं तो। अब हम इसके इस वाले नंबर से हम निकालेंगे डी, ए टू माइनस ए वन, टू रूट टू माइनस रूट टू, टू रूट में से एक रूट जाएगा तो क्या बचेगा सिंगल रूट टू, डी टू में ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री है थ्री रूट टू माइनस टू रूट टू, थ्री रूट में से टू रूट जाएगा तो सिंगल रूट टू बचेगा, डी थ्री ए फोर माइनस ए ए थ्री, ए फोर है फोर रूट टू माइनस थ्री रूट टू, फोर रूट में से एक थ्री रूट जाएगा तो सिंगल रूट टू बचेगा। तो हमारा कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम है, क्या निकालेंगे ए फाइव, ए वन प्लस फोर डी, ए सिक्स, ए वन प्लस फाइव डी, ए सेवन, ए वन प्लस सिक्स डी, ए वन है रूट टू प्लस फोर डी की वैल्यू रूट टू, रूट टू प्लस फोर रूट टू कितना हो जाएगा ये फाइव रूट टू, ए वन है इसमें रूट टू, फाइव रूट टू, रूट टू प्लस फाइव रूट टू, तो ये कितना हो जाएगा फाइव और एक सिक्स रूट टू, ए वन है रूट टू प्लस सिक्स रूट टू, रूट टू प्लस सिक्स रूट टू कितना हो जाएगा सेवन रूट टू। तो ये हमारी आगे की सीरीज़ है, फाइव रूट टू, सिक्स रूट टू, सेवन रूट टू। अब निकालते हैं इसका आगे का। अच्छा, ये हमने कैसे निकाला है, इसको हमने अपने फॉर्म में निकाल दिया इस तरीके से, लेकिन आंसर हमें इस फॉर्म में लिखना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, फाइव रूट बाहर आ रहा है इसका मतलब फाइव का क्या है जोड़ा होगा, पेयर बना होगा और रूट सिंगल रहा होगा, तो फाइव को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा रूट में फाइव, फाइव और रूट टू, सॉरी रूट टू, यहाँ पे आएगा सिक्स, सिक्स टू, सेवन, सेवन टू। मैं इसका पूरा ओपन करूँ तो ये कितना हो जाएगा फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव को टू से मल्टीप्लाई करेंगे फिफ्टी रूट टू, सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स को टू से मल्टीप्लाई करेंगे नाइन्टी एट, नाइन्टी एट, सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स सेवेंटी टू, सॉरी सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन, फोर्टी नाइन को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइन्टी एट। तो ये सीरीज बनेगी इसकी फिफ्टी, रूट फिफ्टी, रूट सेवेंटी टू, रूट नाइन्टी एट, ये नाइन्टी एट है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर थर्टीन, इसको भी हम क्या करेंगे रूट इसके बाहर निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा रूट थ्री का रूट थ्री ही रहेगा, सिक्स का हम पेयर अगर निकालते हैं तो सिक्स, टू थ्री जा सिक्स, थ्री वन जा थ्री, तो इसका भी कोई पेयर नहीं निकलेगा तो ये भी ऐसे इधर ही रहेगा, नाइन का निकालते हैं तो ये आ जाएगा सिंगल थ्री, और ट्वेल्व का निकालते हैं तो टू, टू सिक्स जा ट्वेल्व, टू थ्री जा सिक्स, थ्री वन जा थ्री, तो आ जाएगा टू रूट थ्री एंड सो ऑन। हम इस फॉर्म में हम निकालेंगे, ये इजी हो जाता है डी निकालना, ए टू माइनस ए वन, रूट सिक्स माइनस रूट थ्री, इसको सॉल्व करेंगे रूट सिक्स में से रूट थ्री गया तो रूट थ्री बचेगा, डी टू ए टू माइनस ए थ्री माइनस ए टू, थ्री माइनस रूट सिक्स, ये तो माइनस ही नहीं हो सकता, डी थ्री टू रूट थ्री माइनस थ्री, मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसमें से इसको माइनस करके, ये भी सॉरी ये भी माइनस नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है ये ए पी सीरीज नहीं है। नेक्स्ट, तो इसके आगे का टर्म निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, फोर्टीन क्वेश्चन। ए डी निकालेंगे, इसमें भी ए टू माइनस ए वन,
थ्री का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, इसका मतलब थ्री थ्री जा नाइन माइनस वन कितना हो जाएगा एट, डी टू ए थ्री माइनस ए टू, फाइव स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव माइनस थ्री थ्री जा नाइन। अब ट्वेंटी फाइव में से नाइन माइनस करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे, ट्वेंटी फाइव में से नाइन माइनस करेंगे आ जाएगा सिक्सटीन, डी थ्री ए फोर माइनस ए थ्री, ए फोर है सेवेंटी सिक्स की पावर टू माइनस ए थ्री है फाइव की पावर टू, ये हो जाएगा फोर फोर्टी नाइन माइनस ट्वेंटी फाइव, माइनस करेंगे ट्वेंटी फाइव नौ पाँच चार दो चौबीस ट्वेंटी फोर, तो यहाँ देख सकते हैं एट सिक्सटीन ट्वेंटी फोर, ये भी सेम नहीं है तो ये भी क्या है ए पी सीरीज नहीं है। लास्ट बट नॉट लीस्ट फिफ्टीन क्वेश्चन, ए की पावर स्क्वायर, इसमें भी डी निकालेंगे, डी ए वन ए टू माइनस ए वन, फाइव का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, इसका मतलब ट्वेंटी फाइव माइनस वन ट्वेंटी फोर, डी टू यही निकाल लेते हैं, डी टू ए ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री है सेवन, सेवन को सेवन से मल्टीप्लाई करें, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ फोर्टी नाइन माइनस ट्वेंटी फाइव, ए फाइव ए टू की जगह ए फाइव, फाइव का स्क्वायर आएगा और ए फाइव स्क्वायर को मैंने ओपन करके लिख दिया ऑलरेडी, यहाँ पे क्या आ जाएगा ट्वेंटी फोर, और यहाँ पे डी थ्री निकालते हैं, ए फोर माइनस ए थ्री, ए फोर है सेवेंटी थ्री माइनस सेवन को सेवन से करेंगे फोर्टी नाइन, माइनस करेंगे नौ तीन ट्वेंटी फोर, तो यहाँ पे भी ट्वेंटी फोर, यहाँ भी ट्वेंटी फोर, यहाँ भी ट्वेंटी फोर, तो ये क्या है ए पी सीरीज़ है। तो अब इसके क्या निकालेंगे हम, ए ए फाइव ए फाइव ए सिक्स ए वन प्लस फोर डी ए वन प्लस फाइव डी और ए वन प्लस सिक्स डी, तो ए वन क्या है इसमें वन प्लस फोर, डी की वैल्यू ट्वेंटी फोर, वन प्लस फोर को फोर को ट्वेंटी फोर से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर फोर जो सिक्सटीन, फोर टू जो एट नाइन नाइन्टी सेवन, यह आ जाएगा ए फाइव, ए वन है वन प्लस फाइव, डी की वैल्यू ट्वेंटी फोर, वन प्लस फाइव फोर जो ट्वेंटी फाइव टू जो टेन इलेवन ट्वेल्व, दोनों को ऐड करेंगे वन टू वन वन ट्वेंटी वन, और ए वन की जगह यहाँ पे क्या है ए सेवन, ए वन वन प्लस सिक्स, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी ट्वेंटी फोर, वन प्लस सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर, सिक्स टू जा ट्वेल्व ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वन फोर्टी फाइव, तो यहाँ पे क्या है ए फोर्टीन का ए फाइव ए सिक्स ए सेवन, तो ये क्या था ए पी सीरीज था। तो ये था लंबा चौड़ा क्वेश्चन नंबर फोर्थ 5.1 का। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एग्जांपल नंबर थ्री फोर फाइव, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।